हाय हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम एंड नमस्ते सबके लिए। आज हम खेलने वाले फिर से माइनक्राफ्ट। आज हम बनाने वाले हैं हमारे घर, तो लेट्स गो इन आवर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। जाकर मिलता हूँ मैं। तो गाइस, एक्चुअली मैं मेरे पुराने वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ गाइस, देख सकते हो। और मैंने जो पहले वर्ल्ड बनाया था वो वाला शेड से मैंने डिलीट कर दिया। ओके गाइस, हमारे पुराने वर्ल्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे बहुत सारे डायमंड्स भी है गाइस। नाइस, हम हमारे पुराने वर्ल्ड में फिर से टेलीपोर्ट हो चुके हैं। पता नहीं है टेलीपोर्ट है या फिर कुछ भी। मैंने डिलीट कर दिया था गाइस माइनक्राफ्ट, उसके बाद फिर से डाउनलोड किया था ये वाला गाइस। ओह यस यार, मेरा डायमंड्स एमरल्ड्स, ऐसे एमरल्ड तो बस चार ही है मेरे पास। देखते हैं यार, मैंने ये डायमंड्स को डुप्लीकेट कर दिया था, आयरन पिकैक्स को, सबको गाइस। तो ओके, यहाँ पर आज हम एक, अरे स्लीपर नाइट तो नाइट नहीं हो रही क्या? अच्छा शायद मैं अभी सोकर उठा ना। अरे यार, तो गाइस यहाँ पर हम हमारे पुराने वर्ल्ड में आ चुके गाइस। मुझे बहुत खुशी हो रही है यार। एंड लेट्स सी कुछ, मैं पूरे चेस्ट क्यों खोल रहा हूँ भाई। तब तो गाइस अभी बना लेते हैं पूरा डायमंड का आर्मर गाइस। 64 एंड 14 कितना होता है? मैथ्स नहीं आती भाई, सो सैड ना। लेते हैं अभी डायमंड 8 ब्लॉक्स बना सकते हो भाई। पहले तो डन टडन टडन गाइस, एक पूरा डायमंड का आर्मर हमारे पास है, पूरा भी पहन लेते हैं फुली डायमंड आर्मर में गाइस। हम तब्दील हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यार मेरा पुतला कितना अच्छा दिख रहा है साइड में। ओ भाई, हम फाइनली गाइस नाइस डायमंड के आर्मर में हम आ चुके हैं। एन्चांट भी करना है गाइस, तो ऑब्सीडियन चाहिए उसके लिए। ऑब्सीडियन 54 डायमंड्स है अभी हमारे पास एक ब्लॉक। ये तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और चीज है क्या। अपने आयरन वाली एक पिकैक्स लेते हैं। एंड ओके, अरे यार क्या हो गया भाई। एंड एक आयरन की पिकैक्स लेकर, इसमें कुछ लिया ही नहीं यार, ब्रेड वेड 48 कैरेट्स है। एंड ओके, नेक्स्ट एक डायमंड वाली पिकैक्स और टॉर्चेस। चलो गाइस अभी चलते हैं, काम पे जा रहा हूँ गाइस, मुझे भी नहीं यार पता। तो गाइस आज हमको ऑब्सीडियन और एन्चांटिंग टेबल बनाएंगे हम। ओ भाई, अरे यार ये वाला देख के मुझे अभी भी हंसी आती है। एंड लेट्स जंप। ओ भाई डैमेज ले लिया यार मैंने। ड्रीम भाई नहीं बन पाया यार। खाना खा लेते हैं, नहीं खा पा रहा। ओके चलो, मेरा घर और ऑब्सीडियन चाहिए गाइस मुझे। तो यहाँ पर अभी लावा को भी ढूंढना पड़ेगा। आयन मेरे पास बहुत सारी है, तो अभी आयन से हम एक बकेट बना लेते हैं। 52 आयन से। अबे यार क्या हो रहा है। एंड बना लेते हैं गाइस हम एक बकेट बना लेते हैं, बस हो गया। एंड बाकी के आयन को हम रख देते हैं आयरन को। ये यहाँ पर पूरा सेट कर देते हैं गाइस। भाई यार क्या हो रहा है भाई ये। ओके तो गाइस अभी हमको लावा ढूंढना होगा। एंड यहाँ से थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पर गाइस, वहाँ पर शायद साइन होगा। एंड अरे यार पानी मैंने डाल दिया। चलो गाइस, तो गाइस चलो हम चलते हैं वहाँ पर। पूरा डायमंड का आर्मर है। अरे एक मेन चीज़ तो मैंने ली नहीं। चलते हैं, स्वॉर्ड ही नहीं ली गाइस अगर कोई आ गया तो। अरे यार क्या हो रहा है ये। ओ भाई, यहाँ पर हमने स्वॉर्ड गाइस ली नहीं, तो जाकर अभी एक स्वॉर्ड लेकर आ जाते हैं। तो गाइस हमने मेन वाली चीज़ ले ली है स्वॉर्ड। कोई मॉब आएगा तो उड़ा देंगे सामने से। कोल है गाइस यहाँ पर नीचे। ओ भाई ड्रोनेट,
ट्राइडेंट है इसके पास, इसे मार देते हैं। ओ भाई क्या ही डैमेज दे रहा है यार ये। ओ भाई के ट्राइडेंट मिल गई गाइस हमको। अरे ओ भाई एक और शायद। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, ऊपर ही नहीं जा पा रहा मैं, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ यहाँ पर ट्राइडेंट, ओ भाई कितने सारे यार यहाँ पर। खाना भी थोड़ा सी खा लेता हूँ मैं भाई, मुझे तो डर लग रहा है यार। रॉटन फ्लैश मिलिए, ये तो तुम ही खा लो सालो। मेरा गाइस अगर मैं मर गया तो मेरा पूरा डायमंड कार मर जाएगा, और मैं माइनिंग के लिए इस टाइम पर आया था। चलते हैं अभी, पानी में नहीं गिरना गाइस। यहाँ पर इतने सारे ड्राउनेट है गाइस, बचकर अभी यहाँ से हम निकल जाते हैं। बहुत सारा कोल भी है यहाँ पर, कोल नहीं ले रहा मैं, एंड आ चुके हैं। बहुत डरावना था यार वहाँ पे, बहुत बहुत गाइस बड़ी जगह है यार ये। ओके बहुत ज़्यादा अंधेरा है गाइस, थोड़ी सी एक टॉर्च लगा देते हैं। इस जगह जाएंगे और यहाँ पर पानी है, डायमंड्स में मिल जाए तो कुछ अच्छा होगा गाइस। एंड कोल गाइस बहुत सारा मिल रहा है मुझे, हर जगह कोल मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हो गाइस कितना सारा कोल है। एंड मैं अंदर जैसे ही जा रहा हूँ गाइस यहाँ पर, और ओ भाई मेरे टॉर्चेस ख़त्म हो गए गाइस, फिर से टॉर्चेस लाना पड़ेगा यार। यहाँ पर टॉर्चेस लाकर मैं मिलता हूँ। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पर जो मेरे पास ट्राइडेंट है ना, इसे भाई मैं अच्छा करना है गाइस मुझे। मिल जा, आजा हाथ में, आ चुके। इसे गाइस हमको रिस्टोर करना है, तो दो ट्राइडेंट शायद से लगेंगी, लेकिन मेरे पास दो ट्राइडेंट तो है ही नहीं। आई लव दैट। यहाँ पर गाइस हम अपने यूज़ करने वाले हैं ग्लिच वाला, हम यहाँ पर रखते हैं। लेकिन पहले जो जो वेस्ट सामान है वो सब रख देते हैं, वेस्ट मतलब ट्राइडेंट को रखते हैं। एंड यहाँ पर सब चीज़ रख देते हैं गाइस। हमारा गाइस डायमंड के आर्मर के साथ भी करेंगे हम ये, पता नहीं मेरा डायमंड का आर्मर जा भी सकता है। पहले तो हमारा डायमंड का आर्मर उठा लेते हैं, एंड हमारा डायमंड का आर्मर गाइस जा भी सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकते। यहाँ पर अपनी पूरी चीज़ें रख देते हैं, नाइस। एंड अभी हमको करना है ये चीज़। ओके वी माइनक्राफ्ट में फिर से जाना होगा, पता नहीं गाइस ये वर्क करेगा क्या, शायद से नहीं कर सकता यार, मुझे डर लग रहा है। मैं अंदर जाकर मिलता हूँ। तो गाइस यार हम जा रहे हैं अंदर। ओ भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार कि ये ग्लिच काम करा होगा क्या नहीं। मैंने गाइस गलत कर दिया यार, मैंने चेस्ट में रखकर हटा दिया यार। चेस्ट में रखने के बाद चार ब्लॉक खोदना होता है, उसके बाद ये कर सकते गाइस। ओ भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारा आर्मर और ट्राइडेंट घूम ना जाए यार। ओके ट्राइडेंट ओ भाई शायद से काम कर चुका है, लेट्स सी इसके अंदर नहीं काम किया गया। लेकिन यार मैंने ये नोटिस किया कि मेरी आर्मर का गाइस जो थोड़ा हेल्थ कम हुआ था ना, वो इसमें फुल हो चुका है। ओ भाई वाह, ओ और मैंने यार मेरा कैरेक्टर भी नहीं रखा यार। ओके तो यहाँ पर हम यहाँ से आर्मर स्टैंड कैसे बनाते हैं गाइस, लेट्स चेक इट। अरे आर्नोर आ गया यार, आर्मर स्टैंड यहाँ पर एक स्मूथ स्टोन स्लैब एंड 6 स्टिक से बनता है। तो स्मूथ स्टोन स्लैब के लिए भाई हमको लगेगा स्टोन, तो पहले लगेगा स्टोन को स्मूथ कैसे करते हैं यार। एंड स्मूथ तो ऐसे नहीं कर सकते, इसे फर्नेस पे रखना होगा। यहाँ पर अभी आएगा एक स्टोन, 9 स्टोन मिलने के बाद आपको मिलता हूँ गाइस। तो गाइस ये आखिरी वाला भी हमारा स्टोन आ चुका है, और मैंने रेसिपी भी देख ली है गाइस, ये वाला क्यों है। तो इसे गाइस फिर से हमें यहाँ पर डालना होगा ताकि यहाँ से स्मूथ स्टोन निकले।
बाद स्मूथ स्टोन को तीन रखना है गाइस, बाद हमारा आर्मर स्टैंड का स्मूथ स्टोन स्लैब बन जाएगा। भाई क्या क्या बोल रहा हूँ यार मैं, इसके अंदर फायर है गाइस अभी भी आ गया। इसे रख सकते क्या, नहीं रख सकते। ट्राइडेंट आ जा, ट्राइडेंट गाइस मैं ऐसे हाथ में क्यों पकड़ा हूँ यार, अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ट्राइडेंट को हम रख देते हैं अंदर एंड लेट्स सी यहाँ पर कितने बने, तीन बन चुके हैं, काफ़ी है गाइस। स्मूथ स्टोन बन चुके हैं, स्लैब बना लेते हैं स्मूथ स्टोन का, छः स्लैब आ चुके हैं, नाइस। अभी यहाँ पर हम क्राफ्ट करना होगा, छः स्टिक्स चाहिए एंड कहाँ है स्टिक्स मेरी, यहाँ पर है, वो भी 34 है यार मेरे पास। क्या कर रहा हूँ यार मैं, अरे यार कुछ भी। तो इसे यहाँ पर एक यहाँ पर हम बना लेते हैं ये, एंड आर्मर स्टैंड को हम ये करेंगे ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। इक्विप क्या करना है भाई, इक्विप ये 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 एंड ये, उसके बाद यहाँ पर लेंगे हमारी आयरन वाली स्वॉर्ड, सॉरी आयरन बोल रहा हूँ मैं, डायमंड की स्वॉर्ड एंड इसे इक्विप। गाइस हमारा पूरा एक आयरन का सेट बन चुका है, इसे पोज पोज करते हैं, पोज कर, अरे पोज करते हैं, यस यस नहीं गए, यस गाइस ये बहुत अच्छा वाला पोज सेलेक्ट कर लेते हैं, नाइस। ये वाला पोज गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आयन के स्वॉर्ड रखे हुए यहाँ पर। अभी क्या करें भाई, उतना ही भाई आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।